दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 12,135 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर। यहाँ से जो जानकारी है वो देखने के लिए मिली है, साथ ही जो पोस्ट वाइज वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है, मतलब जो 12,000 पदों पर भर्ती आएगी वो किस किस पोस्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रही। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई भर्तियों के विज्ञापन जारी होने हैं। हम बात करें शिक्षक भर्ती को लेकर, लेकिन कई भर्तियों के विज्ञापन आने के लिए किसी न किसी समस्या का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा था। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में आने वाली है एक और नई भर्ती जिसका नाम है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। इसके अलावा प्रवक्ता भर्ती, मतलब कि जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, जो कि लगभग 12,135 पदों पर आपको देखने के लिए मिलेगी। यहां से जानकारी आज के समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलती है। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। नीचे लिखा हुआ है कि राज्य की हाई स्कूल और इसके अलावा इंटर कॉलेजों में रिक्त 12,135 पदों पर नियुक्त के लिए शीघ्र भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से रिक्त पदों के जो अध्याचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। इसमें अगर बात की जाए स्नातक अध्यापक, मतलब कि एलटी को लेकर, तो उनके जो पदों की संख्या है वो 7,006 के समथिंग है। प्रवक्ता के पदों की अगर बात की जाए तो 5,129 देखने के लिए मिलती है। एडेड माध्यमिक के गुप्ता का कहना है कि रिक्त पदों का जो विवरण है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। ऐसे में पूरी संभावना है कि जल्द से जल्द आयोग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया यहाँ से शुरू कर दी जाएगी। और इसके जो ऑनलाइन आवेदन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होंगे। लगभग 12,135 पदों पर एलटी ग्रेड, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता की आपको जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी, जो कि राजकीय विद्यालयों के अंदर होगी। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से एलटी और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लेकिन इसी बीच आप जानते हैं कि थोड़ा योग्यता का विवाद भी लटका हुआ है। अगर इसको लेकर यहाँ से फैसला हो जाता है तो जल्द ही इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा और इसका जो आवेदन के बारे में और कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिलेगी। हालांकि नीचे लिखा हुआ है कि संभावना पूरी है कि जल्दी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे। इसकी जानकारी अगर बात की जाए माध्यमिक के गुप्ता जी के माध्यम से भी दी गई है। तो पदों की संख्या 12,135 है। एलटी ग्रेड के पद भी यहाँ पर बढ़ चुके हैं, जो कि लगभग 7,000 हो चुके हैं। प्रवक्ता की बात की जाए तो 5,129 पद होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसी प्रकार की ऑथेंटिक सबसे पहले जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।